शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना, खाक मेवाड़ की धानी, कहे उसको महाराणा। न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया, न उसने शीश झुकाया, न वो बंधन में आया। वीर धरती पर सोया, हाथ पर खाना खाया। घास की रोटी खाकर चाहे उम्र बिता ले, है भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। प्राण दिया है नहीं दी कभी देश की माटी है, मेवाड़ का वा रण बांकुरा, वो महाराणा प्रताप हाथ पर रोटी खाना स्वीकार कर लिया, घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, अकबर के साथ दोस्ती करना स्वीकार नहीं किया, विदेशी आक्रांताओं को एक एक चुन चुन कर मारा, हार स्वीकार नहीं की, और आज इस देश पर 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत को आर्थिक रूप से गुलाम कर चुकी हैं, भारत की आर्थिक आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए आमंत्रित हैं। अमर था शेर दीवाना, काकोरी कांड कराना, मौत को भी हड़काता, राम प्रसाद बिस्मिल कहाता, किया संध्या व हवन भी ठीक फांसी से पहले, धर्म और देश की खातिर सरफरोशी तमन्ना ले। अमर शहीदों की ज्योति को और निखारी है, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। राम प्रसाद बिस्मिल ने जो किया था, विदेशी लोग देश का धन लूट कर जा रहे थे, काकोरी कांड किया, अपने देश को वह धन वापस दिलवाया, बहुत परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प, काला धन वापस लाएंगे, इस देश को समृद्ध बनाएंगे, उसी भाव को शहीदों के सपनों को पूरा करने का संकल्प पतंजलि योगपीठ में, जो उनके सपनों को पूरा करना चाहे वो आमंत्रित है। शेर एक वेदों वाला, विश्व में किया उजाला, भोग पाखंड मिटाया, वेदों का तोड़ा ताला, ऋषि में जान गवाई, हमने विष दिया पिलाई, देश का दीप बुझाया, अंधेरा चौदह से छाई। ऋषि दयानंद की तो देखो शान निराले है, भारत माँ शेरों वाली, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। गो बैक टू वेदास, कम बैक टू वेदास, या नारा देने वाले, चलो वेदों की ओर लौट चलो, वह ऋषि उद्घोष करने वाले महर्षि देव दयानंद सरस्वती, क्या किया, अपने जीवन को मोक्ष की ओर ले जाने का संकल्प था, वह मूल शंकर महर्षि देव दयानंद इसलिए बना था कि मुझे अपने जीवन को अमर करना है, परंतु गुरु ने जीवन मांग लिया साहब, एकलव्य के बाद कोई गुरु दक्षिणा की बात करे, और गुरु दक्षिणा और गुरु और शिष्य परंपरा की बात करे तो महर्षि देव दयानंद याद आते हैं, स्वामी विरजानंद सरस्वती याद आते हैं। स्वामी विरजानंद सरस्वती कहते हैं, बेटा मुझे अपना जीवन दे दो, या ऋषि परंपरा समाप्त हो रही है, ये वेदों की संस्कृति समाप्त हो रही है, वेदों को बचा लो, वेदों की पवित्रता को बचा लो, यह भारत माँ बच जाएगी। महर्षि देव दयानंद संकल्प करते हैं और अपना जीवन की आहुति दे देते हैं। हमें भी ऐसा अवसर मिला है, आज पूज्य गुरुवर मांग रहे हैं जीवन, इस वेदों की संस्कृति को पुनः स्थापित करना है, इस ऋषि संस्कृति को पुनः स्थापित करना है।
जिसके मन में वहाँ गौरव में भारतीय संस्कृति स्थापित करने का दर्द हो, पीड़ा हो, वह आमंत्रित है साहब। मस्ती में सिंह निराला भगत पंजाब वाला, वचन का पक्का होकर मार सांडर्स को डाला। शेर दिल वीर था वो, वचन का धीर था वो, ब्रिटिश की धड़कन बंद हो, भगत सिंह नाम जब लो। बम कांड कर असेंबली में धूल उड़ाते हैं, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ वीरों वाली है। वो भगत सिंह जिसके पिता कृष्ण सिंह, जिसने वेदों के आदेश से यज्ञोपवीत धारण किया, लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया कि मेरे गुरु को जिन्होंने मारा है उनसे मैं बदला लूंगा, वह बदले की भावना लेकर जब आगे बढ़ा, अरे देखा कि अरे ये तो विदेशी आक्रांता, इनको तो सुनाई नहीं देता, इनको तो जितनी बात कही जाए इनके कान तो बहरे हो चुके हैं, इनमें विस्फोट करना पड़ेगा। और वो विस्फोट करता है असेंबली में जाकर, और वह विस्फोट करने की अब बारी है। पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है, और वह युवा कहता है मुझे जिंदगी की आहुति से यदि देश के युवा खड़े हो सकते हैं तो मैं ये आहुति देने को तैयार हूं, और वह अपने जीवन की आहुति दे देता है और सैकड़ों हजारों युवाओं को खड़ा कर देता है। बस ऐसी कोई आहुति देने वाले। और पूज्य स्वामी जी महाराज तो जीवन की आहुति मरने के लिए नहीं मांग रहे, जीने के लिए मांग रहे हैं। अरे जियो और 400 वर्ष तक जियो, और माँ भारती की आकर सेवा करो, यह आह्वान करने के लिए पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धा आचार्य श्री का आह्वान। आइए इसको सुनते हैं, इस अंतिम छंद में अपने गुरुवर को प्रणाम करते हैं। ऋषि एक योग वाला बेटा भारत का निराला, ऋषि एक योग वाला बेटा भारत का निराला, लोग का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला, देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो। अब आपकी तालियां रुक नहीं पाएंगी, मुझे लगता है अब आपकी तालियां घूमना चाहती हैं, हुंकार भरना चाहती हैं। ऋषि एक योग वाला बेटा भारत का निराला, लोग का रोग मिटाकर किया जीवन उजाला, देश की शान है वो, रामदेव नाम है वो, जिनके सीने में भारत माँ का अरमान है वो, जिनके नाम से डरते देश के भ्रष्टाचार है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। हर इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान राले है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली। बोलिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो माँ भारती की सेवा का संकल्प लेकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धे आचार्य श्री पिछले 20 वर्षों से तप कर रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं। इतना प्रमाणिक, इतना पारदर्शी जीवन जिनका रहा हो, उनके साथ जुड़कर उनके नेतृत्व में सेवा करने का यदि सौभाग्य मिल जाए तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सौदा होगा। मुझे कर्म की गति यहाँ आकर पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज के पावन शीर्ष चरणों में बैठकर कर्म की गति प्राप्त हो गई, कर्म के विषय में संज्ञान हो गया, कर्म का सिद्धांत समझने का अवसर मिला। यो वै भूमा तत्सुखम, यह भावना पूज्य आचार्य श्री के हृदय से जो निकलती है वो मुझे लगती है कि हर
गुरु अपने शिष्य को वामन से विराट कर देना चाहता है, विस्तृत कर देना चाहता है। जो लोग विराट होना चाहते हैं, जो अपने परिवार की ही नहीं, समाज की ही नहीं, इस राष्ट्र की, राष्ट्र नहीं पूरे विश्व की सेवा करना चाहते हैं, जिनके हृदय में यह भाव है वसुदैव कुटुंबकम का, वह आगे आए। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजयः सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो अपने ही जीवन में बैलेंस नहीं लाना चाहते, उन गरीब लोगों के जीवन में भी बैलेंस ला देना चाहते हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती उनके जीवन में भी रोटी लाना चाहते हैं, जो इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व को निरोग निरामय देखना चाहते हैं, जिनके हृदय में पीड़ा है कि कोई भी व्यक्ति रोग से ना मरे, भूख और बीमारी से ना मरे, वह आमंत्रित हैं। आइए पांव को खोल लेते हैं, एक बार छिटका देते हैं अपने पांव को। आगे पीछे पांव करते हुए, सामान्यतः लोगों को लगता है कि ये बहुत छोटे से सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें क्या होने वाला है। अरे भाई, आपके जोड़ों की दर्द रहेगी ही नहीं। इस खून में जो यूरिया भरा हुआ है ना, परम पूज्य स्वामी जी महाराज गौ आधारित कुदरती खेती लाना चाहते हैं। कारण क्या है? गौ माँ को बचाने के लिए केवल मात्र नारे लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूज्य स्वामी जी महाराज की संकल्पना की आवश्यकता है। जो लोग गाय माँ को बचाना चाहते हैं, मैं उन्हें आह्वान करता हूँ, जितना प्रमाणिक कार्य पतंजलि योगपीठ से हो रहा है उतना प्रमाणिक कार्य कहीं नहीं हो सकता। पूज्य आचार्य श्री खोज कर रहे हैं गैया मैया के दूध पर, मूत्र पर क्या खोज हो रही है, उसके अंदर जो सोना है उसे प्राप्त किया जाए, उसमें स्वर्ण तत्व है, वह कैसे चिकित्सा में लाभ करता है ये तो पता चल गया, वह हमारी आर्थिक उन्नति कैसे कर सकता है, वह हमारे शरीरों के रोगों को कैसे दूर कर सकता है, वह कैंसर कैसे दूर कर सकता है, यह जानकारी पूज्याचार्य श्री खोज रहे हैं। सब लोग तुलसी की पूजा करें, पीपल की पूजा करें, ये ऋषि मुनि पहले से बताते आ रहे हैं, परंतु क्यों करें ये बात पूज्याचार्य श्री ने बताई है। उनके अंदर वह चिकित्सकीय गुण कौन सा है जिससे वह वायरल रोग दूर होता है, जिससे किडनी के रोग दूर हो जाते हैं, पीपल की छाल लेने से कैसे वृक्क दोष ठीक हो जाता है, यह पूज्याचार्य श्री ने बताया। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, इसलिए उन महान आत्माओं को, उन दिव्य आत्माओं को यहाँ पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धा आचार्य श्री को एक साधारण व्यक्तित्व के रूप में यदि हम देखेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर लेंगे। कोई साधारण व्यक्ति यह कार्य नहीं कर सकता, यह ईश्वरीय कार्य है, और स्वयं ईश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज श्रद्धा आचार्य श्री को अपना यंत्र बनाकर कार्य कर रहे हैं। ये बात जिसके समझ में आ जाए वो लोग आमंत्रित हैं, वह कार्य कर पाएंगे इस माँ भारती का, वह कार्य कर पाएंगे इस ऋषि संस्कृति का। दोनों पांव को आगे पीछे करते हुए पूरा निचोड़ दीजिए, ऐसे पंजों को ऐसे निचोड़ने से आपको क्या लगता है कि पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो रही है। ये इसमें इलास्टिक है, इसमें टेंडन्स हैं, वह टेंडन्स उनकी एक्सरसाइज हो ही नहीं पाती, जब ऐसे निचोड़ते हैं तो एक्सरसाइज हो पाती है। एक एक जोड़, छोटे से छोटे जोड़ की एक्सरसाइज जब पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ से व्यायाम करवाते हैं तो आपको क्या लगता है कि वह केवल मात्र शरीर के बाह्य अंगों का व्यायाम हो रहा है? ना साहब, शरीर का, मन का, आत्मा का व्यायाम, उसे कहते हैं प्राणायाम। लोगों को लगता है कि योग मायने कोई शारीरिक क्रियाएं हैं, कोई कठिन आसन का नाम योग है। नहीं भाई, योगस्थ कुरु कर्माणि, एक एक कर्म करना, योग करते हुए, योगी होते हुए और योग का भाव रखते हुए कर्म करना, 24 घंटे योग होता है, एक घंटा योग प्राणायाम नहीं होता। योग तो एक एक भाव में, एक एक श्वास में जब चलता है उसे योगी कहते हैं, और ये बहुत बड़ा यह विज्ञान है, यह प्राण विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, यह गोपनीय विज्ञान है जो पूज्य स्वामी जी महाराज पूरे विश्व को बता रहे हैं। भारत के उन लोगों का सौभाग्य है जो योग के इस विज्ञान को परम पूज्य स्वामी जी महाराज से समझ रहे हैं, क्योंकि यह विज्ञान कभी अर्जुन को योगेश्वर कृष्ण ने सिखाया था।